सकते हैं। रोको उन्हें कर, रोको। दंड आरंभ कीजिए महामहिम। पितामह, यदि आपने कोड़े धीमे से लगाए तो राजा के आदेश का अपमान होगा। मुझे क्षमा करना। चीखने से पीड़ा कम होगी। जब पीड़ा सही है तो कम क्या और अधिक क्या। हस्तिनापुर के निवासियों, इन सूत के पुत्र ने एक राजकुमार पर ओ, ओ, ओ,
शोन, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। इतनी पीड़ा सहने के पश्चात मौन रहने का कार्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। कर दंड देने वाले को संतोष देने की मेरी इच्छा नहीं थी मामा, क्षमा कीजिएगा। तुमने उचित किया शोन। पीड़ित की चीख से अन्याय को बल मिलता है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे परिवार से क्षमा मांगता हूं और वचन देता हूं कि आज के पश्चात जीवन में एक बार कोई चीज मांगो तुमको अवश्य दूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पीड़ा का व्यापार नहीं करना मुझे। आदेश दीजिए मामाई, शोन को चिकित्सा की आवश्यकता है। चलो कर्ण, महामहिम आपको अभिनंदन। आज पुनः एक क्षत्रिय महारथी रहे अपनी शक्ति का प्रमाण दे ही दिया सारे समाज को। शोन को दंड देने की मेरी कोई इच्छा नहीं। आप दंड रोक सकते थे महामहिम, लेकिन आपने एक सूत पुत्र को दंड देना उचित जाना। दंड और उपहार राजनीति के दो साधन हैं। इन्हीं से राज्य चलता है और इन्हीं से राज्य समाप्त भी होते हैं महामहिम। तलवार के प्रहार से यदि पत्थर टूटते हैं तो पत्थर के प्रहार से तलवार भी टूट सकती है। विद्रोह का प्रदर्शन मत करो कर्ण, अन्यथा मुझे तुम्हें भी दंड देना होगा। क्षमा कीजिए महामहिम, मुझसे भूल हो गई। आज दंड भोगने की मेरी इच्छा नहीं। वसंत पंचमी के दिन इससे भी बहुत अधिक पीड़ादायक दंड मुझे प्राप्त होने वाला है। आपको विस्मरण हो गया, वसंत पंचमी के उत्सव में आप स्वयं मेरे रथ में विराजमान होने वाले हैं। आज के बाद मुझे प्रतिक्षण उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी, उस दिन मुझे प्राप्त होने वाले दंड की प्रतीक्षा रहेगी। उस दिन या तो मेरी मृत्यु होगी या एक योद्धा निकलेगा। प्रणिपात,
वस्त्र का स्पर्श उत्तम है, इसका उपवस्त्र निर्मित करवाओ राजश्री। जो वस्त्र हम धारण करते हैं वो दूसरों को दिखते हैं धृतराष्ट्र, क्या तुम कभी ये जान सकते हो कि तुम्हारी छवि इन वस्त्रों में कैसी लगती है, प्रिय या नहीं? एक नेत्रहीन को रंग और छवि से क्या संबंध ताचरी? वस्त्र और व्यवहार मनुष्य के चरित्र निर्माण करता है, अनुचित वस्त्र और अनुचित व्यवहार से प्रजा की दृष्टि में राजा गिर जाता है, क्या तुम ये नहीं जानते? नेत्रहीन होना दुर्भाग्य है, किंतु मन बुद्धि और हृदय से दृष्टिहीन होना अपराध है। आज राजसभा में पुत्र प्रेम के कारण तुमने एक सूत के बालक शोण को दंड दे दिया और यह स्थापित कर दिया कि इस राज्य में किसी को न्याय नहीं प्राप्त हो सकता। न केवल ये, बल्कि तुमने अपने पुत्रों को यह विश्वास दिला दिया कि वो हर प्रकार का दुष्कर्म करने का अधिकार रखते हैं। यदि दंड ना देता तो राजकुमारों का इस समाज की रीत बन जाती ताचरी। दंड के आधार पर सम्मान तो प्राप्त हो सकता है, किंतु उत्तम व्यवहार से समर्पण प्राप्त होता है, और इस समय राज परिवार को समर्पण की आवश्यकता है, सम्मान की नहीं। बल के प्रयोग से ही समर्पण प्राप्त होता है ताचरी। बल से विद्रोह उत्पन्न होता है, इतिहास साक्षी है। अगर इतना सरल सा सिद्धांत तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। अपराधी 10 कोड़े मारने का आदेश है। ये क्या कर रहे हो? मुझे भी पीड़ा का अनुभव करना है। मेरे कारण सदैव दूसरों को पीड़ा हुई है, मेरे कवच के कारण सदैव मेरी सुरक्षा हुई है। यदि मुझे पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता तो क्या अधिकार है मुझे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का? तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव है कर्ण, तुम्हारा कवच तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, वो पीड़ा तुम्हारा सामर्थ्य है। ऐसा सामर्थ्य जो अपने भाई की रक्षा न कर सका, ये दंड किस लिए था? क्या अपराध था शोण का? और जैसा कुछ होता भी है या ये समृद्ध और बलवान लोगों का निर्मित किया हुआ छल है? अभी इन विचारों का समय नहीं है कर्ण, इस समय शोण को तुम्हारी आवश्यकता है। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता वृषाली, मैं शोण की पीड़ा नहीं देख सकता। उसकी देह पर पड़ने वाला एक एक घाव मेरे हृदय को चीर रहा है। अब उसकी एक एक चीख से मुझे मृत्यु की इच्छा होगी। आज प्रथम बार ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा समग्र जीवन एक कारागार है, मुक्ति केवल एक कल्पना है, स्वतंत्रता एक छलावा है। वास्तव में मृत्यु ही मेरे जीवन की बेड़ियों को तोड़ने का एक मार्ग है।
बर्दाश्त नहीं हो सकते कर्ण। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो हमारे सारे समाज की स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। चलो कर्ण, शॉन की पीड़ा से भागो मत, उसे देखो, उस पीड़ा को अपना परिचय बना लो। केवल तुम्हारा सामर्थ्य इस पीड़ा की प्रतिध्वनि हस्तिनापुर के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। मैं जाकर पांडु को आदेश देता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज अभिषेक के लिए शीघ्र ही। ताचरी। महाराज, ईश्वर ने किस बात का प्रतिशोध लिया है हमसे? क्या हुआ शकुनी, ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? आश्चर्य है महाराज, मेरे गुप्तचरों ने मुझे जो समाचार दिए हैं वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुए। हस्तिनापुर गुप्तचरों के माध्यम से अपनी सुरक्षा नहीं करता गंधार राज, वह कार्य कायरों का है। स्वीकार करता हूँ महामहिम कि मैं कायर हूँ, किंतु इस समय महत्व का ज्ञान भी मेरे ही पास है महामहिम। महाराज, वन में महाराज पांडु और महारानी माद्री का निधन हो गया है महाराज। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.